लेकिन बदलते वक्त के साथ साथ ये रीमेक्स की जो क्वांटिटी थी वो क्वांटिटी वाइज तो कम हो गई लेकिन स्केल वाइज और बड़ी बनने लग गई एंड एक्शन के साथ साथ कई और जॉनरा में भी ये फिल्में बनने लग गई बड़े बड़े स्टार्स के साथ साथ अब यंग एक्टर्स एंड इवन थोड़े से नए एक्टरों के साथ भी अब फिल्में बनती आ रही है एंड निकम्मा भी एक ऐसी फिल्म है जो कि टू में आई मिडिल क्लास एबे की रीमेक है तो चले जानते हैं कि क्या ये फिल्म हमें एक और एंटरटेनर देने में कामयाब होगी या फिर माइट गेट लॉस्ट इन ट्रांसलेशन निकम्मा फिल्म की कहानी आदि यानी कि अभिमन्यु दसानी की जो कि अपनी लाइफ मजे से जी रहा है फुल्ली लेजीली जी रहा है और बड़े भाई यानी कि समीर सोनी के साथ रहते हैं लेकिन जैसे उसके भाई की शादी होती है विध यानी कि शिल्पा शेट्टी के साथ आदि की लाइफ चेंज हो जाती है एज उसकी भाभी उस दिन से दिन रात यू नो घर का सारा काम आदि से करवाती रहती है इसी दौरान अवनी जो कि आरटीओ में एक बड़े पोस्ट पे ऑफिसर है उसकी जड़प हो जाती है उस शहर के एक नामचीन आदमी के साथ दैट्स विक्रमजीत यानी या कि अभिमन्यु सिंह के साथ जिसके बनते विक्रमजीत अब अवनी को खत्म करना चाहता है यानी कि मारना चाहता है लेकिन आदि के होते ये हो नहीं सकता क्यों नहीं हो सकता कल तो यही तो फिल्म की आगे की कहानी है अब कहानी जैसे कि मैंने बताया इज मेजरली सेम लाइक द ओरिजिनल फिल्म बट यहां पे कुछ छोटे-मोटे ट्विस्ट है एंड दे आर गुड फिल्म की कहानी सिंपल है एंड थोड़ी सी देखी-देखी सी भी लगती है फिल्म के फर्स्ट हाफ में कुछ इंटरेस्टिंग एंड साथ ही इंजॉयबल सीन्स है जैसे कि अभिमन्यु की मेमोरी वाला जो पूरा ट्रैक है या फिर शिल्पा के अंडर में घर का पूरा काम करने वाला ट्रैक शर्ली कमिंग टू अभिमन्यूज हाउस एंड देन अभिमन्यूज एंटायर फाइट सीन एट आरटीओ जो कि इंटरवल पॉइंट पे आता है एंड इज वन ऑफ द बेस्ट एक्शन सीन ऑफ द फिल्म लेकिन इसके बीच बीच में जो रोमांटिक ट्रैक्स आते हैं वेल दैट द द फ्लो ऑफ फिल्म एज वो काफी किडिश एंड अनकन्विंसिंग लगते हैं ऑल्सो एक दो साइड ट्रैक्स है जो कि फिल्म के फ्लो को स्लो कर देते हैं हाफ विद अ वेरी इंटरेस्टिंग थीम जो कि चैलेंज है दोनों अभिमन्यु के बीच में लेकिन उसके बाद वो इतना खींचा जाता है कि पूरा जो यूनिक फैक्टर है अब डल लगने लग जाता है एक आध एक्शन सीक्वेंसेस के बाद जब अगेन उसमें साइड ट्रैक्स आते हैं दैट्स ऑफ शर्ली और समीर सोनी एंड फ्यू अदर्स तो तो पूरा कनेक्टिव छूट जाता है और क्लाइमैक्स में तो फिल्म और है और बस चली जाती है। एक आध ना कोई लास्ट फेज में हाई ड्रामा वाले डायलॉग बाजी भी है जैसा कि प्रॉमिस किया गया था इन द ट्रेलर सब कुछ बस चलते जा रहा है चलते जा रहा है बिना कोई हार्डशिप ये पूरा ट्रैक ना काफी दमदार और थ्रिलिंग बन सकता था अगर साइड ट्रैक्स नहीं घुसाए जाते थे तो

निकम्मा किया का जो रिमिक्स है वो एंड में है और गुड टू वॉच है अब की बात करेंगे तो शबीर खान ने इससे पहले टाइगर श्रॉफ को लेकर सेकंड हाफ ऑफ निकम्मा बट यहाँ पे गेट्स परफेक्टली राइट बट सेकेंड हाफ में वो एडिशनल इफेक्ट देने में थोड़े से चूक जाते हैं थोड़ा और ग्रैंड करते ना तो मजा आ जाता और परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो इट्स सो गुड टू तो सी अभिमन्यु दसान इन सच रोल उन्होंने इससे पहले साबित तो कर दिया था कि वो एक बेहतरीन एक्टर है बट यहाँ पर जो कन्विक्शन चाहिए यू नो फॉर एक्शन ड्रामा कॉमेडी डांस इन सब सीन्स में वो कन्विक्शन अभिमन्यु काफी आसानी से करते हैं यू नो एक्शन ड्रामा कॉमेडी डांस में वो सब अभिमन्यु काफी आसानी से करते हुए नजर आते हैं इनफैक्ट एक्शन में यूज वेरी गुड बट वीक कैरेक्टर के बनते और स्क्रीन प्ले के बनते ये जो एफर्ट्स है वो थोड़े डायल्यूट हो जाते हैं शिल्पा शेट्टी का रोल काफी इम्पोर्टेंट है बढ़िया है एंड शी इज गुड इन सम पार्ट्स, बट बाकी में थोड़ा और जस्टिफिकेशन एंड कन्विक्शन चाहिए था शर्ली सेठिया लुक्स क्यूट बट उनका रोल काफी किडिश था फिल्म के फ्लो को बुरी तरह से डायल्यूट भी करता है अभिमन्यू सिंह स्टार्ट वेल बट एंड अपन वीक नोट अगेन डू टू हाफ बेक रोल समीर सोनी सचिन खेड़ेकर ठीक ठाक है